हे वेलकम टू योर स्पेशल सेशन। आज आपका एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कौन से बुक्स यूपीएससी के लिए अच्छी है। अभी क्या है कि बैच स्टार्ट हो गए हैं 2021 के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे बट कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं पा रहे, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो घर बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करते हैं कि कौन से बुक्स जो हैं वो यूपीएससी के लिए अच्छी हैं। तो गूगल पर क्या होता है, जनरली बहुत सारी बुक्स की लिस्ट आ जाती है, क्योंकि गूगल पर जो लिस्ट आती है ना वो आपकी प्री मेंस मतलब जीएस जो है उसके साथ ऑप्शनल की भी बुक आ जाती हैं। तो आपको पता नहीं होता कि आपके पास अगर ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कौन सी बुक सफिशिएंट रहेंगी प्री और मेंस के लिए। ऐसे में क्या होता है, आप बहुत सारी बुक्स ख़रीद लेते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं, उससे आपकी मनी भी वेस्ट होती है एंड आपका टाइम भी वेस्ट होता है। सो यहाँ पर हमने कंपाइलेशन किया है सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स का, सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए। जो आपकी ऑप्शनल की बुक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएंगी। ये भी कवर किया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके स्टडी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं। बट यहाँ आज हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस की बुक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही मिल जाएंगी कि कौन से बुक्स आपको ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सी सेट की। सी सेट का पेपर आता है आपका प्रीलिम्स में, उसमें क्या होता है ये सिर्फ एक क्वालिफायर है, इसमें आपको 200 में से 66 मार्क्स लेने होते हैं। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें रीजनेबल मैथ्स तो बहुत इजी आते हैं, बट इसमें जो इंग्लिश पोर्शन आता है वो थोड़ा सा दूसरे पेपर से डिफरेंट आता है। सो आपको एक बुक की ज़रूरत है पढ़ने के लिए। यहाँ पर 5 बुक्स की लिस्ट है आपके सामने है, जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड 2024 सिविल सर्विसेज एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, क्रैकिंग द सी सेट पेपर सेकेंड बाय अरिहंत, द मंत्रा ऑफ सी सेट पेपर सेकेंड बाय गौतम पुरी, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी बुक नंबर 3, क्रैकिंग द सी एस पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बाय अरिहंत। इस बुक में क्या है, आपका रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश तीनों ही कवर किए गए हैं, और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं सभी, और इंग्लिश जो कि बहुत अलग तरीके से आती है यूपीएससी के सी सेट में, वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन की गई है कि आपको जो इंग्लिश के पैराग्राफ्स आते हैं पैसेज आते हैं वो कैसे सोल्व करने हैं। वैसे जो 5th बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो भी बहुत अच्छी है, बट वो सिर्फ रीजनिंग की है, उसमें आपका मैथ्स जो इंग्लिश है वो कवर नहीं होगा, फिर आपको सेपरेट बुक लेनी पड़ेगी। तो यूपीएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एसएससी या बैंक के पेपर भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये बुक अच्छी है, क्योंकि इसमें रीजनिंग जो है वो बहुत एडवांस लेवल की है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल स्टडीज़ पे। जनरल स्टडीज़ ये था हमारा सी सेट। देन जनरल स्टडीज़ में हम बात करते हैं एनसीईआरटीज़ की। एनसीईआरटीज़ तो आपकी मस्ट हैं, वो प्रीलिम्स में भी आएंगी और आपकी मेंस में भी आएंगी। 6th से लेकर प्लस 2 तक की आपकी जो एनसीईआरटीज़ है वो मस्ट हैं। वो आपको कौन सी पढ़नी है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ लेना, आपके मीडियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी वाले पढ़ लेना, एंड आप तमिलनाडु बोर्ड की भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटीज स्पेशल फॉर हिस्ट्री। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप सीबीएसई बोर्ड की ही पढ़िए, बट अगर आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ऑल्दो करंट अफेयर्स और पेपर्स में भी आपका कवर किया जाता है, बट अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में जो आपका डायनामिक क्वेश्चंस है, डायनामिक सिलेबस है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊँ, आप सीधा सीधा बस विजन आईएएस को फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देखे हैं करंट अफेयर्स के, एंड आप खुद भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसके नोट्स बनाते होंगे, बट अभी आपकी स्टार्टिंग है या अगर आपकी स्टार्टिंग नहीं है, आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी इतनी गाइडेंस नहीं होती कि आपको कैसे बनाने हैं। विजन आईएएस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास एक प्रॉपर टीम है, वो अलग अलग न्यूज़पेपर के बेस्ट जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनका कंपाइलेशन करते हैं, एंड उनके नोट्स में क्या होता है, साथ में पूरी हिस्ट्री भी दी होती है टॉपिक की। आपका कोई ज्योग्राफी का होगा तो उसमें डायग्राम्स भी मिलेंगे, आपके मैप्स भी मिलेंगे, कंट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा करंट अफेयर का, तो बहुत अच्छे करंट अफेयर्स होते हैं उनके जो मंथली वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आप फॉलो कीजिए विजन आईएएस की। उसके अलावा इनके 2 और मैगजीन्स आती हैं, पीटी 365 एंड मेंस 365। पीटी 365 प्रीलिम्स के लिए आती है एंड मेंस 360
5 जो है आपकी वो मेंस के लिए आती है। तो ये क्या होती है, प्रीलिम्स से एक महीना पहले और मेंस से एक महीना पहले आती है। इसमें आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं। जैसे सपोज आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ना शुरू किए तो आप जनवरी के, फरवरी के, मार्च के सब पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो पेपर है तो आप इतने सारे जो है पेपर से पहले कैसे रिवाइज़ करेंगे। तो उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए और ईजी करने के लिए विजन आई है, इसने दो मैगजीन्स निकाली हैं, PT 365 जो प्रीलिम्स से एक महीना पहले आती है एंड Mains 365 जो मेंस से एक महीना पहले आती है। सो आप जो है सिर्फ वो पढ़ लो। जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है वो भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि PT 365 और Mains 365 से आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिगिनर हैं कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप उनके करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। जब आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तभी आप PT 365 और Mains 365 समझ पाएंगे। सेकेंडली जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन होती है उसमें मेंस के लिए बहुत अच्छा मैटर है, विजन आई है उसके पास मेंस में आपके क्वेश्चन राइटिंग के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। एंड PT 365 और Mains 365 भी बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप PT 365 पढ़ें वो पेपर से एक महीना पहले आती है, तो बाद का जो एक महीने का सिलेबस रह गया वो तो उसमें कवर नहीं होता, तो वो ध्यान रखना कि आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन से कवर कर लें। देन हम बात करते हैं टेस्ट की। जब आपका सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद आपको टेस्ट देने होते हैं, तो आप टेस्ट के लिए अगर आप स्टैटिक नॉलेज की बात करें तो आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक। देन अगर आप डायनामिक नॉलेज की बात करते हैं तो आप विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ के लिए जाइए, इनकी टेस्ट सीरीज़ है अभ्यास के नाम से, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। इनके पास मिनी टेस्ट भी हैं, आपके लेंथी टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज है, बहुत सारे टेस्ट हैं, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स स्पेशली विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ को जो है फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। देन अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में हमारे पास क्या आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस आएगा और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं हमारे पास। तो इंडियन पॉलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आपने बुक सुन ही ली होगी, कौन सी सबसे अच्छी बुक होती है, लक्ष्मीकांत की, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ये बुक जो है, वैसे तो इसका 5th edition बहुत ज़्यादा फेमस है, बट इसका 6th edition भी जो है वो आ चुका है। मार्केट्स में अवेलेबल है या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट ऑनलाइन ज़रूर अवेलेबल है। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं ख़रीदना है और आप ई बुक चाहते हैं लो प्राइस में, तो वीडियो के एंड में मैंने लिंक डाला हुआ है। टेलीग्राम पर एक चैनल है जो आपको सब तरह की PDFs और ई बुक्स प्रोवाइड करता है UPSC से रिलेटेड, बहुत ही लो प्राइस में, ठीक है। तो इसके लिए हमें लक्ष्मीकांत के अलावा पढ़नी है NCERTs आपको प्री के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं, आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। किस लिए, क्योंकि आपकी जो NCERTs है ना 6th, 7th, 8th की, इसमें क्या है कि आपका इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ऐसी ऐसी टर्म्स है ना पूरे चैप्टर में कवर की हुई है और बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं। तो अगर आप वो लाइन मार्क कर लें तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो। देन थर्ड आपको क्या करना है, राज्यसभा TV और लोकसभा TV, ठीक है, ये दो चैनल हैं आपके जो आते हैं TV में, इन पर क्या होती हैं, डिबेट्स होती हैं। तो आपको डेली अभी से देखना स्टार्ट करना है राज्यसभा TV या फिर लोकसभा TV, कोई भी एक देख लीजिए, डेली एक डिबेट देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिबेट की जाती हैं, जो करंटली अफेयर्स चल रहे हैं, जो सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर डिबेट की जाती है। और आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, स्पेशली एक अलग से नोटबुक लगाइए और नोटबुक में जो जो भी वो पॉइंट्स बोलते हैं वो लिख लीजिए, आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आप अपनी कन्वीनियंस से देख लेना, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में देख लेना प्रोग्राम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में। देन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, उसका काम क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो करंटली न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड किसी लॉयर के, किसी टीचर के, किसी पॉलिटिशियन के, किसी जर्नलिस्ट के या फिर किसी भी पर्सन के कोई भी व्यूज़ जो है वो एडिटोरियल में आते हैं, जो अच्छे व्यूज़ होते हैं, तो आप वो नोट कर सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको प्लस पॉइंट भी मिल जाएंगे एक ही टॉपिक के और नेगेटिव पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो वो आप जो एडिटोरियल है एक जगह पे, मतलब न्यूज़पेपर आप लेते हैं तो उसमें से कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है तो वो कट करके रख लें और अपनी एक फ़ाइल लगा लें जिसमें आपको सब इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो आपको रखने हैं, सो दैट आपको टॉपिक्स के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स पता हो। ये मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नेंस की। पॉलिटी में हमारे पास इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है। अब गवर्नेंस में आपके पास क्या आती है, गवर्नेंस में आपके पास मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम निकाली है,
उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, किन लोगों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसमें कितनी अमाउंट यूज़ की गई है स्कीम के लिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाली है वो स्कीम। वैसे तो ये जो मिनिस्ट्री होती है वो आपके यूपीएससी के पेपर में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एसएससी में, ईपीएफओ में, इन सब में मिनिस्ट्रीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने के लिए आपको मैगज़ीन पढ़नी है, आप योजना मैगज़ीन पढ़िए, आप कुरुक्षेत्र मैगज़ीन पढ़िए। चाहिए तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं, चाहिए तो आप इन दोनों में से एक भी पढ़ सकते हैं, काम चल जाएगा आपका। एंड अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्या कीजिए, विजन आईएएस का गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से अलग से नोट्स मिलते हैं, उसमें पूरा कंपाइलेशन होता है पूरे साल की गवर्नमेंट स्कीम्स का। और योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन में तो आपको सिर्फ क्या मिलेगी, स्कीम और उसके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, कितने बजट के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया है। बट जो विजन आई है इसके नोट्स है उसमें आपको पूरी एनालिसिस मिलेगी कि ये जो स्कीम है कौन सी स्कीम से निकल कर आई है और कौन सी स्कीम है ऐसी ऐसी और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देन आपको गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं। करंट अफेयर्स विजन आईएएस के जो मैंने मंथली मैगजीन बताई है उसके एंड में गवर्नमेंट स्कीम जो होती है मेंशनड होती है पूरे महीने की, सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी की। जो सोसाइटी टॉपिक है उसके लिए कोई आपको यू नो एज सच अलग से कोई बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं बट इनमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने मेन सब्जेक्ट में से आते हैं। तो इसमें आपके पास इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जो है वो आपको पढ़ना है। इसमें आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, पॉवर्टी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, वीमेन एम्पावरमेंट आ जाएगी, ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे जिन टॉपिक्स पर आप ऐसे लिखते थे ना छोटी क्लासेस में, वो सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें। सो इसके लिए आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत है नहीं, आप बस करंट अफेयर फॉलो कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम आप पढ़ लेंगे वही इसमें कवर हो जाएगा। या फिर आप एडिटोरियल जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की होती हैं तो वहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि आप अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं क्वेश्चंस को, तो आप विजन आईएएस के नोट्स पढ़ लीजिए या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लीजिए। मैंने विजन के नोट्स देखे थे, वो बहुत अच्छे हैं, सो आई एम सजेस्टिंग यू आप वो पढ़ सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए। देन इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको पढ़नी है प्लस टू क्लास की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसका नाम है। सेकंड आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक डायनामिक टॉपिक है। ये रिलेशंस तो वैसे मतलब बहुत कंट्रीज़ के साथ हैं हमारे और उसमें से कुछ भी क्वेश्चन निकल सकता है, बट मैक्सिमम पूछा वही जाता है जो प्रेजेंटली चल रहा हो। जैसे हमारा प्रेजेंटली पाकिस्तान चाइना के साथ सीन चल रहा है, थोड़ा टाइम पहले यूएसए के साथ चल रहा था, तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, वो इनफ होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका राज्यसभा टीवी है उस पर वीकली एक शो आता है इंडियाज़ वर्ल्ड उसका नाम है, उसमें डिस्कशन की जाती है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। ये भी इसमें से भी तीन या चार क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके करंट अफेयर्स बहुत हैं, और मेंस में अगर आपको ज़्यादा कंसर्न लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना चाहिए तो आप करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही। उसके अलावा आपके पास दो बुक हैं, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, बट मुझे लगता नहीं है आपको ये बुक फॉलो करने की ज़रूरत है। आप सिक्योरिटी के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई भी नोट्स फॉलो कर लीजिए। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी विजन आईएएस के नोट्स, इनके जो सिक्योरिटी के नोट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत टाइम लेकर बनाए गए हैं, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको आपने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हैं एंड आपको वो ईजी लगते हैं तो पढ़ लीजिए, नॉट अ बिग डील, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देन हम आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबके सब एनसीईआरटीज़ आप पढ़ना और सबके सब मार्क करना या तो उनके नोट्स बना लेना। देन एक एक्स्ट्रा बुक है जी सी लियोंग जो कि आपको पढ़नी है, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी बाय जी सी लियोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑल्दो इस बुक में से आपको सभी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ एक ही कवर करने हैं जो एनसीईआरटी में अच्छे से कवर नहीं किए गए हैं। मोस्टली जो आपके फॉरेस्ट वेजिटेशन इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं। देन करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। नेक्स्ट हम जियोग्राफी में ही बात करते हैं आपके एटलस की। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एटलस के लिए चूज़ कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या फिर ओरियंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस। वैसे आपका जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है ये अलग से इंडिया के लिए भी आया है, और ये आया है आपका अक्टूबर के बाद जब आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया था, तो न्यू मैप के हिसाब से आपका न्यू एटलस आया हुआ है, आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपकी एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं,
एट्थ क्लास तक तो एनसीईआरटीज़ आपकी इकोनॉमिक्स की होती ही नहीं है, 9, 10, +1 and 2 की होती हैं, वो आपको पढ़नी हैं। उसके अलावा आपके पास दो बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह जो कि बहुत फेमस बुक है, एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया जैन एंड ओहरी ये पढ़ सकते हैं। थर्ड वाली बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप रमेश सिंह पढ़ लीजिए एनसीईआरटीज़ के साथ, वो इनफ है। और अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते, आपको सबके सब इन्फॉर्मेशन कंपाइल चाहिए एक नोट्स में, तो आप श्रीराम आईएएस एकेडमी के नोट्स पढ़ लीजिए और स्पेलिंग यहाँ पर नोट कर लेना, एक्यूरेट स्पेलिंग यही है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक और नाम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें SHRI होगा बट वो गलत है, जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट है वो श्रीराम आईएएस एकेडमी है, इसके आप नोट्स पढ़ लेंगे। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक मृणाल सर हैं जो कि बहुत फेमस है, उनके यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं, बट वो जो वीडियोस है ना वो 2015 की है, सो उसमें आपका बेसिक तो सब कवर हो जाएगा और कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जो उन्होंने बाद में अपलोड किए हैं, जैसे कि GST आया था और भी बहुत सारे टॉपिक्स, बट उसमें करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए इकोनॉमी के लिए, तो आप मृणाल सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया है उन्होंने और बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं 30 से 40 मिनट की और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए द हिंदू एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं। आप जो द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उसमें मेनली दो ही टॉपिक्स की एनालिसिस होते हैं, या तो आपकी पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन इनकी होती है, या फिर आपकी जब कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, और कभी आपका इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है तब आपके एनालिसिस आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है मेंस के लिए। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एक्स्ट्रा मटेरियल की, उसके लिए आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक ही बार होता है साल में, वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है एनुअल बजट जो निकलता है उसकी समरी पढ़नी है, वो भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स तो जो है वो फॉलो करने ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इसके बुक्स आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो है बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम किसी को रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, किसी को रहता है एंशियंट कहाँ से पढ़ें। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो 6th से 10th क्लास तक की NCERTs हैं, आपके पास जो भी NCERTs हों हिस्ट्री की 6th से लेकर 10th तक की, आप वो पढ़ डालिए। उसके बाद बात करते हैं +1 and 2 की NCERTs की। अब +1 and 2 की जो NCERTs क्या हैं, पहले NCERT अलग होती थी, अब जो NCERT लगती है बच्चों के पास वो अलग होती है, न्यू NCERTs। उसमें क्या है, सिलेबस थोड़ा ना ईजी कर दिया है और कम भी कर दिया है, तो या तो आप पढ़िए ओल्ड NCERTs अगर आपको कहीं से मिलती है तो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी, ओल्ड NCERT आपको वहाँ से मिल जाएंगी PDF फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो। और अगर आपको ओल्ड NCERT नहीं मिल रही है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs निकालिए, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं सिलेबस में इतने जितने की CBSE बोर्ड में आ गए हैं, तो ओल्ड NCERT की वो रिप्लेसमेंट है तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs। और अगर आपको वो भी नहीं मिलती हैं, आपको न्यू NCERTs ही मिल रही हैं, तो आप न्यू NCERTs पढ़िए और उसके साथ दो बुक और पढ़िए, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड देन फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर बाय स्पेक्ट्रम। तो आपको ये दोनों बुक जो है वो पढ़नी है न्यू NCERTs के साथ, आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं बेसिक साइंसेस की, साइंस में इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, आपको बस क्या करना है, 6th से लेकर 10th क्लास तक की सबके सब NCERTs पढ़नी है। देन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं स्पेशली साइंस के लिए, वो किस लिए कि अभी करंटली आपको पता है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और भी डिसीजेज आती रहती हैं नई, तो वो जो पोर्शन है आपका बायोलॉजी में कवर होता है। अब अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल नहीं है तो आप वो सब आपको कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका बैकग्राउंड मेडिकल है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, वो क्या कीजिए, +2 में जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो आपके वैक्सीन बन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो आपको वैक्सीन और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, DNA RNA के बारे में पता होना ज़रूरी है। और जिन लोगों के पास बायोलॉजी नहीं थी वो लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड आपका मैटर है उसके लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो उससे रिलेटेड जो एडिटोरियल्स हैं वो आपको कंपाइल करके रखने हैं अपने पास मेंस के लिए, दूसरा उसके बारे में जो आपको नॉलेज है कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, फूड पर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, वो सब जो है विजन IAS ने नोट्स निकाले हैं जो कि 3 पार्ट्स में है, कोरोना वायरस स्ट्रेटजीज़, मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो
तो वो आप सर्च करिए या फिर वो चैनल से देख लेना, टेलीग्राम के चैनल से। वो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विजन आईएएस ने अलग से निकाला है ये स्पेशली, तो आप ये ज़रूर पढ़िए, इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, उसके लिए आपको शंकर आईएएस एकेडमी के नोट्स पढ़ने हैं। इनके जो लेटेस्ट नोट्स हैं वो 2018 के हैं, तो शंकर आईएएस एकेडमी के नोट्स आप पढ़ लेना। एंड उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, क्लास प्लस टू की बायोलॉजी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी लास्ट यूनिट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से डील करती है, तो वो आपको पढ़नी है। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो पहले आप क्या करना, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना, देन आप शंकर आईएएस एकेडमी के नोट्स पढ़ना, क्योंकि उसमें जो है बहुत वाइड दिया हुआ है आपका सिलेबस। देन बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो आपका एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें करंट अफेयर में कवर हो जाएगा आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको अलग से बुक लेकर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप करंट अफेयर्स फॉलो कर ले और एनसीईआरटी फॉलो कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉलो कर लेना। देन हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया आप पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे फेमस बुक मानी जाती है। उसके अलावा अगर आप वो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ से आप इंडियन कल्चर के नोट्स डाउनलोड कीजिए एंड वो पढ़िए। मैं आपको NIOS के बारे में बता देती हूँ, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये हमारी गवर्नमेंट रन कर रही है, और इसमें 6th से लेकर प्लस टू क्लास तक की सभी NCERTs के लेक्चर और नोट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री के बहुत 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 ज़्यादा अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं NIOS में, और आपको बहुत और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो टीचर्स अपलोड कर रहे हैं अपने नोट्स, तो आप इंडियन कल्चर के वहाँ से डाउनलोड कीजिए। एंड देन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आर्ट एंड कल्चर के। करंट अफेयर्स किस लिए, जैसे कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। देन बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको प्री के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता है वो आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। आप मेंस के लिए पढ़ना है आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, कोई भी बुक ले आइए आप, उसमें जो मेन मेन से डिज़ास्टर्स हैं आपको पता ही है और आप उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो पढ़िए। एंड देन करंट अफेयर्स से पढ़ लीजिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये जो अलग अलग तूफान आते रहते हैं उनका नाम रखते रहते हैं अलग अलग, ये तूफान वो तूफान, तो वो आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। और बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट हो या फिर ऐसी कोई बुक हो जो आपको लगती है आपने पढ़ी हो वो बहुत अच्छी हो और आप चाहते हैं कि बाकी सब भी पढ़ें, तो आप कमेंट में बता देना। एंड ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल के लिंक, फर्स्ट जो लिंक है वो आपके सारे नोट्स के लिए हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स, नोट्स, NCERTs, PT 365, मेन्स 365, मंथली मैगजीन्स, न्यूज़ एनालिसिस, जो कुछ भी आपको चाहिए इस चैनल से मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जो चैनल है इन्होंने अभी CSET का क्रैश कोर्स और UPSC की डिजिटल कोचिंग भी स्टार्ट की है। इन केस अगर आपने सोचा हुआ था कि आपको कोचिंग लेनी है और आप फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी और रीज़न से वो कोचिंग नहीं ले पाए हैं, तो वो डिजिटल कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत 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 कम लो प्राइसेस में। एंड एक मेरा चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के लिंक मिल जाएंगे। सो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। उसमें मैं डेली कोई भी जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है करंट अफेयर से रिलेटेड वो शेयर करती रहती हूँ, और साथ में आपको उसमें रैंडम क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो ये दोनों चैनल हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर उसको सर्च कर लेना। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी एंड आपको अच्छी खासी गाइडेंस मिल गई होगी। अब आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, गूगल पे भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप बस क्या कीजिए, जल्दी से बुक्स नोट कर लीजिए एंड ख़रीद के अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।